2 साल जो है पर्यटन जो है हमारे प्रदेश में, इसको 2020 और 2021 क्योंकि कोविड महामारी का प्रकोप था पूरे देश में, पूरे जो हमारे अन्य प्रदेश हैं वहाँ पर भी जो है कर्फ्यू और लॉकडाउन की अवस्था लगी हुई थी। तो 2 साल जो है आवाजाही पर्यटकों की हमारे प्रदेश में जो है काफ़ी कम रही थी। इस साल जो है क्योंकि अभी कोविड महामारी का प्रकोप काफ़ी कम हो चुका है, अगर मैं आंकड़ों की आपको बात करूं तो एक नॉर्मल ईयर में जो प्री कोविड ईयर होता था लगभग 1 करोड़ 70 लाख के करीब जो है, 75 लाख के करीब जो है टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आता था, परंतु कोविड के जो 2 वर्ष 2020 में मात्र जो है 32 लाख के करीब टूरिस्ट आया था, जो अगला वर्ष 2021 उसमें 56 लाख के करीब जो टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आया था। इस वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो जो अक्टूबर तक के आंकड़े हमारे पास हैं उसमें 1 करोड़ 27 लाख के करीब जो है टूरिस्ट ऑलरेडी हमारे प्रदेश में आ चुका है, और जो नवंबर का महीना है लगभग इसमें 12-13 करोड़ जो है टूरिस्ट और जो हमारे पास टेंटेटिव आंकड़े आए हैं तो लगभग 1 करोड़ 40 लाख के करीब जो है नवंबर में जो है टूरिस्ट हमारे पूरे साल के और नवंबर अंत तक जो है इतने आ चुके होंगे। इसका मुख्य वजह यही है, तो कोविड महामारी का प्रकोप जो है काफ़ी कम हुआ है, साथ ही साथ जो पर्यटन विभाग हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी एग्रेसिव मार्केटिंग की है और पब्लिसिटी पे बहुत हमारे हम लोगों ने जो है जोर दिया है। जो अन्य प्रदेश हैं साउथ इंडिया में चाहे वेस्टर्न इंडिया में, उन्हीं की लैंग्वेजेस में जो वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर हमने प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वहाँ पर उन्हीं की भाषा में जो है जिंगल्स एडवर्टाइजिंग जो है की है, उसी की वजह से जो है काफ़ी मात्रा में इस वर्ष जो है टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आया है। इस महीने की जो दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो जो न्यू क्रिसमस ईव होती है और न्यू ईयर ईव होती है, इसमें काफ़ी फुटफॉल जो है टूरिस्ट का काफ़ी बड़ा रहता है। तो इस वर्ष में जो हमने तैयारियां इस में की हैं और जितने पैकेजेस हमने जो HPTTC के माध्यम से बनाने हैं उनकी जो हम तैयारी अब कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव पैकेजेस जो है हम इस महीने में बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आके उनका जो है फ़ायदा उठा सके। आपके माध्यम से जितने पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनसे मेरा एक आह्वान रहेगा कि यहाँ पर एक बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश है, जब भी आप यहाँ पर आते हैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्यटक की तरह जो है आपका व्यवहार यहाँ पर रहना चाहिए। आप यहाँ पर आए, यहाँ की प्रकृति को जो है आप इंजॉय करें और अपना जो है पीसफुल तरीके से यहाँ पर रहकर जो है आप वापस जाएं।